केस में तो क्लियर है, सी पे ही बनती है इमेज। पहला स्टेप तो यही है कि भाई तुम्हें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जानी है। दूसरा स्टेप क्या है पढ़ो यार जरा बुक में। अरे स्टेप लिखे होंगे फॉर्मेशन के। हाँ यही गलती हो जा रही है, यानी जो भी रे यहां से जाएगी वो डायरेक्टली यही फोकस से ही पास कर रहेगी। ओके तो यानी हमें नॉर्मल ऑन बनाने की जरूरत नहीं है, और दूसरी अब फोकस से जाएगी लाइट। ठीक है यार, अब ये कहीं यहीं कहीं मीट कर देती है। ठीक है ऐसे बनाना है, मतलब कुल मिला के। हाँ सारी फोकस से मीट कर गए तो ये पॉइंट, ये जो आएगी ना रिफ्लेक्ट होके, ये फोकस से ही जाएगी। कहाँ, वो जो इतने बड़ा इतना बड़ा जो ऑब्जेक्ट हो तो बहुत छोटा होता है। यहां बनाना ऑब्जेक्ट हो, जहां ये वाली रिफ्लेक्टेड और ये दूसरी रे मिली है यहां पे इमेज फॉर्म हुई है, ना कि यहां पे। नहीं फिर वो पहले वाले बियॉन्ड द सी वाले में अच्छा वो भी है या कोई वो भी नहीं, वो बीच में कहीं बनेगी। अच्छा पास, पास तो फोकस से ही होना है। और इंफिनाइट वाले पे दो लेके जाएंगे और एक पे मिल जाएगी ऐसा वहां बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई यहां पे क्या है सी और यहां पे एफ। अब हमने रख दिया है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट को। पहली ले पैरेलल आएगी, और जब भी पैरेलल लाइट आती है तो वो फोकस से ही पास होके चली जाती है। हालांकि अगर तुम नॉर्मल भी बनाते हो यहां से, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर ही आते हैं, इसीलिए बार बार जब मैं बना भी रहा था ना तो वो फोकस के ही आसपास आ जा रही थी। पर मैं सोच रहा था फोकस से नहीं जाएगी, क्या पता कहीं और से जाए। खैर तो हमेशा किससे जाएगी, अगर लाइट रे पैरेलल है किसके प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो कहाँ जाएगी, फोकस से पास होगी, यानी ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। कोई लाइट रे अगर ऐसे इंसिडेंट करती है तो कॉनकेव मिरर से कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से। कौन सी, करेगी बिल्कुल। तो अब दूसरी रे डालते हैं कहाँ से, फोकस से ही ले जाते हैं, तो फोकस पे तो कुछ बना नहीं, क्योंकि फोकस पे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, यहाँ तो इमेज बनी नहीं। अब दोबारा से ये टकरा के क्या होगी, पीछे की ओर हो जाएगी। जो रे फोकस से आ रही है और फिर दोबारा टकरा रही है, तो वो भी किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे पैरेलल रे अगर आती है टकराती है तो फोकस से पास होती है, जो रे खुद ही फोकस से आ रही है और टकरा रही है तो वो फिर से पैरेलल हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। और इमेज कहाँ बन गई, इस जगह पे जहां पे वो मीट हुई। नहीं समझे, अब सही सही बन रहा है। और अगर हम पहले दो पैरेलल लाइन डाल दें और फोकस पे मीट करा दें इस टाइम तब नहीं बनेगी ना इनफिनाइट वो केवल एक ही केस में, जो तुम इन्फिनिटी वाली वाला बात कर रहे हो वहां वो पे, सिर्फ क्योंकि इनफिनाइट वाला हो सकता है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां पे ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, इसलिए वहां से ऊपर से भी लाइट रे ले ली हमने और यहां से भी ले ली, और दोनों कहां पे मार देंगी, यहां पे। और क्योंकि अब ये रेज इधर ऊपर चल जाएगी, एक इधर आ जाएगी, तो आगे तो कहीं मीट करेंगे नहीं, तो हम मान लेते हैं कि यहीं पे इमेज बन गई थी। अब यहां वाली, यहां पे भी मीट की है, ये वाली रे इधर से आई तो मीट कर गई और ये ऊपर से आ गई, पर हमने क्या किया, इसको आगे जब देखा तो ये दोबारा से यहां मीट हुई, तो फाइनल इमेज यहां बनी है, ना कि यहां पे। पर इस केस में क्या हुआ, ये दोनों डाइवर्ज ही हो गई पूरी, तो हमने मान लिया यहीं पे इमेज बनी है फोकस पे, काफी ज्यादा छोटी होती है। अच्छा यहां पे जो इमेज है इस केस में थोड़ी सी छोटी बनेगी, जब थोड़ा सा मतलब लेंथ एंड ये सब बढ़िया से लोगे ना, तो क्या सी आएगी, थोड़ी सी छोटी आएगी, यानी हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होगी। हाइट ऑफ इमेज विल बी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, लेस देन वन। अरे ये क्यों बनाओगे, तीसरा केस बनाओ, जब फोकस के ऊपर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, कहां पे रखा है, फोकस के ऊपर ही रखा है। अब बनाओ जरा देखें क्या हो गया, कौन बनाएगा पहले, बनाओ बनाओ। ये है फोकस, ये सी। फोकस के ऊपर अब अगर ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो पहली रे तो वही करना है पैरेलल टू द
प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से। अब यही स्टेप दिमाग में एकदम रखे रहो। तो पहली रे तो मैंने चलो बना दिया, दूसरी रे क्या करनी थी? दूसरी रे क्या करेंगे इस केस में? चलो चलो बनाओ तुम अपने आप से, उसके बाद फिर अच्छा ये बताओ, प्लेन मिरर में अगर कोई लाइट आई, टकराई और वापस चली गई, ठीक है, अगर 90 डिग्री पे एंगल बनाते हुए टकराई है तो वो वापस से चल जाएगी। इस केस में इंसिडेंस एंगल कितना है? 0 डिग्री। बताओ भाई, अरे ये समझ आया 0 डिग्री क्यों है? क्योंकि इस प्लेन सरफेस का नॉर्मल भी कैसा होगा? इसी तरीके से होगा। इस प्लेन के लिए नॉर्मल मतलब 90 डिग्री वाला सरफेस लाइन क्या होगी? यही होगी। और लाइट भी ऐसे ही आई है, तो लाइट ने नॉर्मल से कितना लाइन एंगल बनाया? 0, कोई एंगल ही नहीं बनाया, यानी पैरेलल थी उसके, ठीक है। अब 0 भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो, 180 भी बोल सकते हो, सही है ना? अरे मतलब या तो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, जस्ट एकदम अपोजिट हो गया। जैसे जो यहाँ पे जो रे आ रही है उसके लिए ये एंगल कितना है? 0 डिग्री। जो वापस जा रही है उसके लिए 180 डिग्री हो जाएगी, ये कहने का मतलब है। इसके बाद फोकस वाला अब बताओ कैसे करोगे। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो पहली रे तो तुम लोग पैरेलल ले जानी है हर उसमें, और फिर फोकस से पास करा देनी है। और दूसरी रे कहाँ से ले जा रहे थे? फोकस से ले जा रहे थे तुम लोग, लेकिन अब फोकस से कैसे ले जाओगे? अब तो फोकस पे ही रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तुम्हारे स्कूल में ये कराया जा रहा है तभी इसलिए तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो। ओके ओके, थोड़ा सा सोचो क्या करना चाहिए अपने को। अब तो अगर हम ये रे को यहीं से ले जाएंगे इसके सर से, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, कहीं पे इमेज बनेगी नहीं। अगर वो ऑब्जेक्ट को उल्टा रख के ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को ऐसे रख के, फिर मतलब क्या है? लाइट तो यहाँ से आ रही है ना, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो लाइट सारी यहाँ से आएगी, मेन कंसेप्ट खराब हो सकता है। अब क्या होता है ऐसे केस में, हम इसके टकले से लाइट ले जाते हैं पोल पे, कहाँ ले जाते हैं? तो दो केस याद रखो, एक तो हमेशा फोकस से ले, फोकस से दूसरे केस में पास कर रहे थे। पहला केस क्या था? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रे हमें फोकस से ही पास होते ले जानी है। इन केस ऑफ फोकस पे ही अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो दूसरी रे हमें कैसे ले जानी है? पोल पे। अगर पोल पे इतने एंगल पे ये लगी है तो ये इंसिडेंस एंगल है, क्योंकि ये वाली लाइन क्या है? ये सेंटर से पास हो रही है, यानी ये नॉर्मल ही तो है। जो लाइन सेंटर से पास हो वो नॉर्मल होती है सर्कल में, ठीक है, यानी ये इतनी एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। बोलो भाई। हालांकि जब तुम सही से बनाओगे तो ये दोनों ही पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती है बेटा? अरे मतलब मेरा थोड़ा डायग्राम गलत है, सही नहीं बना। ये कैसे हो जाएंगी पैरेलल? यानी ये तो मिलेंगे ही नहीं कभी दोनों रेस। अरे मिलती कभी नहीं है भाई, पैरेलल जो हो गया वो तो कभी नहीं मिलता है, अनडिफाइंड जगह पे मिलता है। अब मिलता होगा तो अनडिफाइंड जगह पे मिलता होगा भाई। मैंने बताया था क्या फिर? अच्छा अच्छा कोई नहीं, पैरेलल लाइन याद रखो इन्फिनिटी मिलेगी, यानी इमेज कहीं बनेगी, कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। तो दो केस देखो एकदम सिमिलर है, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रही है? अरे इन्फिनिटी पे बन रही है ना, पोल पे थोड़ी। पोल पे तो हम लाइट रे लेके गए ताकि अपना प्रोसेस कंप्लीट हो सके। इमेज फॉर्मेशन के दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सी? ये नॉर्मल क्यों होगी? ये तो लाइट रे है, हमें दो लाइट रे निकालनी होती हैं, और वो जहां मिलती है वहां इमेज बनती है, ठीक। यहां मिली है तो
यहां मेज बनी है ना, कहां पे मिली? मिली नहीं, वो तो गई, वो मेरी क्लास के सामने दोनों। अच्छा तुम कह रहे हो यहां मिल गई? अरे रिफ्लेक्ट होने के बाद मिले, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो वही तो इमेज इंफिनिटी पे बनी। तुम ये तो नहीं सोचने लग गए यहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, पर यहाँ पे अभी ये रिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, शीशे में गई ही नहीं रही, तो कैसे मतलब इमेज बनेगी उसके अंदर, समझ रहे हो? तो शीशे से टकरा के जब वो आई तो पता चला कि वो दोनों मिलती ही नहीं है कहीं पे, यानी इन्फिनिटी पे इमेज बन गई। ये कौन सी जगह है? इमेज फॉर्मेशन जहाँ पे हुई है, और ये जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। और फिर अभी बताया बियॉन्ड फोकस में अगर होता है तो कहाँ होगा, मतलब बियॉन्ड सी अगर रखा है तो, अरे एफ एंड सी के बीच में, किसके बीच में? ये लिखते भी चलो ताकि याद रहे। तो तीन केस याद हो गए, ये इमेज जहां पे है बनेगी, और ये जहां ऑब्जेक्ट होगा। अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब जहां से लाइट रे आई और कहां पे मिल गई? फोकस पे, क्योंकि इन्फिनिटी से जो लाइट रे आती है मान के चल लेते हैं वो पैरेलल से पैरेलल है, ठीक है? बहुत दूरी से कोई चीज आ रही है तो वो कैसी हो गई? पैरेलल हो गई, ऐसा कुछ मान लेते हैं। लाइट रेज कैसी आ रही है? पैरेलल। और जो पैरेलल रेज आती है तो कहां मिलती है जाके? अरे फोकस पे मिल जाती है यार, अगर कॉनकेव लेंस है, मिरर है, कैसा लेंस मिरर है? कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर में अगर कोई पैरेलल रे आके टकरा रही है तो वो रे तुरंत ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी किधर की ओर? फोकस की तरफ, उस मिरर के। इस मिरर का फोकस यहां था तो इसने जैसे ही ये पैरेलल आई तो तुरंत इसको यहां भेज दिया, रिफ्लेक्टेड रे जो है। इस केस को बोलेंगे कि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज फॉर्म विद इंफिनिटी, इमेज का साइज और शेप और ये सब चीजें कैसी होंगी, कुछ बता सकते हो? इमेज का शेप साइज कैसा रहेगा? इंफिनिटी पे जाके मिलेगी, फिर भी नहीं मिले ऐसा कुछ? कॉनकेव में हमेशा तुम याद रखो कैसा कैसा इमेज होगा, केवल एक केस में अलग होता है, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है, बाकी सब में रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड होगी, मैग्निफिकेशन लेस देन वन होगा, हर जगह पे वही सेम चीज। अच्छा अब लास्ट केस देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? पैरेलल लेस, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं मिलेंगे, इसीलिए हमने बोल दिया इमेज बनी थी, क्यों भाई? यही कुछ समझ के ऐसे समझ लो। अच्छा अब हम दूसरा केस कर रहे हैं, लास्ट वाला है, जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया? फोकस और पोल के बीच में, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक? तो चलो बनाओ भाई अपने कॉपियों में। पहली रे क्या करनी है तुम्हें? फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन का स्टेप क्या होता है? पहली रे कहाँ से निकालनी है? उसके टकले से, और पैरेलल टू द, अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों करते हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसके पैरेलल लेके जाओ, और कहाँ टकराना है? मिरर के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट होगी, बजेगी, वो फोकस से ही, अभी तो बताया पैरेलल जितनी भी रेज आएंगी वो फोकस से ही जाना है। बन गए हो? ऑब्जेक्ट हाँ कहीं भी रख सकते हो, इसके पास चिपका के रख दो चाहे, वो तुम्हारी मर्जी है। बिटवीन कह दिया ना, लेकिन आप बिटवीन जब बोला जाता है तो फोकस पे मत रख देना, फोकस और पोल के बीच में फोकस पॉइंट नहीं आएगा, नहीं समझे? जैसे मैं बोल दूं एक नंबर बताओ दो और तीन के बीच में, तो कभी आंसर दो थोड़ी बोलोगे, ना ही तीन बोल सकते हो, 2.3, 2.1, 2.5 ये सब बोलोगे, ठीक है? तो वही है, बिटवीन जब बोलेंगे तो एंड पॉइंट्स को छोड़ दिया जाता है, उसको नहीं देखा जाता है, क्योंकि फोकस पे रखने पे तो इन्फिनिटी पे बननी है इमेज। मनाओ भाई दूसरी रे लेके जाओ, तुम लोग पहली रे ही बना दियो लग रहा है। अच्छा करेंगे ना, इससे पोल से इसको पोल टकराएंगे, तो उसके सेल से कॉल रे निकालेंगे।
हाँ भाई क्या बनेगा तुम लोग बताओ, मैं क्या बताऊँ। उसके सर से कॉल रेट करेंगे तो पोल पे टकराएंगे, ठीक है फिर वो रिफ्लेक्ट होगी और पैरेलल जाएगी। ठीक है, बना लो इसके सर से पोल पे ले गए लाइट रे, ठीक। अब पोल से जिस एंगल पे टकराई है इंसिडेंस एंगल बोलेंगे, क्योंकि ये रे फिर क्या है सेंटर पास हो रही, यानी ये नॉर्मल है। और जब हम इसको ऐसे ले जाते हैं तो पता चलता है ये दोनों डाइवर्जिंग रेज हो गई। कैसी हो गई? हाँ मतलब ऊपर नीचे ऐसे थोड़ा तिरछा जा रही है पैरेलल से हटके। तो पैरेलल को तो एक पल को मान लेते थे मिल जाएंगे कहीं पे, इमेज बन जाएगी, लेकिन डाइवर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग मतलब दूर दूर जाना मेजरमेंट के साथ भी जाएंगे तब भी तो पैदल ही जाएंगे, पैदल ही जाएंगे। ना भाई, पैरेलल नहीं जाती। तुम मेजरमेंट के साथ पैरेलल बना दिए क्या? पैरेलल ही जाना है इन्हें, इसीलिए हम इधर इमेज ना बना के हम क्या करते हैं इन्हीं इमेज को ऐसे डैश 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 करके मिरर के पीछे ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इधर से ये डाइवर्ज हो रही है, पर ऐसे ऐसे पास जाते जाओगे तो कहीं ना कहीं इधर की ओर कन्वर्ज हो जाएंगे। अगर याद रखे फिर तो कर ही सकते। याद भी रहता है, और बाकी धीरे धीरे जब मेजरमेंट से बनाने लग जाओगे ना, जब मैं जैसे 10th में था तो मैं तो पेंसिल से बनाता था, गोला बना लेता था अपने हिसाब से। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कंपास से ही बनाओ, तो अपने हाथ से गोला बनाओ उसका जो, लेकिन लेना ना ऐसे हल्का सा गोला बनाना डैश 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 करके, उसका सेंटर ले लेना इसका, बाकी इसको बढ़िया से कर देना, बन गया तुम्हारा वही चीज। मैं जब बनाता था तो एकदम एग्जैक्ट बनती थी चीजें। क्यों? क्योंकि मैं स्केल से बनाता था, तुम लोग हाथों से ही खींच दे रहे हो, समझ रहे हो। तो भाई इस केस में इमेज जो बनती है वो मिरर के पीछे बनती है। कहाँ बन रही है? पीछे। और इमेज का ये टकला होगा, क्यों? क्योंकि यहां से ही लाइट रे चली थी और जहां टकराती थी वहीं पे उसका हेड बनता था। यानी केवल एक ऐसा केस है ये मात्र, जहां पे इमेज कैसी बन रही है? और सीधी बन बड़ी रही है बड़ी बन और बड़ी बन रही है। यानी इस केस में इमेज विल बी इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, और फिर इनलार्ज मतलब बड़ी। इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा? लेस देन वन या ग्रेटर देन वन? और ये वर्चुअल इमेज होगी, क्यों? क्योंकि ये मिरर के अंदर बनी है। जैसे प्लेन मिरर बनाता है, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? और प्लेन मिरर की इमेज कैसी होती है? लेफ्ट टू राइट फ्लिप होती है। इन्वर्टेड क्यों होगी जब तुमने बोल दिया इरेक्ट? इमेज विल बी फॉर्म्ड, अरे यार कहाँ बोला जाए, बिसाइड द मिरर, मिरर के पीछे, बिसाइड द मिरर। इस केस के लिए क्या नाम है? बिसाइड या बिहाइंड, जो भी बोल सकते हो तुम, द मिरर। अब इसमें मत बोलना फोकस के दूर या पोल के दूर, क्या बोल देना सीधे? बिहाइंड द मिरर या बिसाइड द मिरर, ठीक है। अरे तुम बिहाइंड लिख देना लार्ज बिल्कुल, ये बड़ी नहीं दिख रही है। लिखते हैं, लार्ज लिखते हैं। हाँ इनलार्ज लिखते हैं फिजिक्स की भाषा में, ऑप्टिक्स की भाषा में इनलार्ज, डिमिनिस्ड, वरना डिम से तो लाइट कम ऐसा कुछ फील आ रहा है, लेकिन डिमिनिस्ड से वही समझा जाता है कि मैग्निफिकेशन कम हो गया। अच्छा दूर की चीज देखनी है तुम्हें, हमें क्या करना चाहिए? आंखों को पिचकाना या एक्सपेंड कर देना चाहिए? काम करना अरे चाहिए। ऐसे करके देखेंगे तो दूर का क्लियर दिखता है। अगर आप बंद करेंगे तो अच्छा जब आंखें बंद होती हैं तो पता है क्या होता है, ये लेंस मोटा हो जाता है, और मोटा हो जाएगा जैसे जैसे तुम आंखों को क्या करोगे, फोल्ड करो, जब आंखों खींचोगे तो ये पतला हो जाएगा। अरे इतना तो समझ पा रहे हो ना, अगर पिचकाओगे तो मोटा हो जाएगा, इसी को घसीट दोगे तो पतला। इसमें क्या होता है, ये दो ठो सर्कल से मिलके बना होता है, या बोले दो ठो क्या है लेंसेज हैं, एक इधर एक इतना आधा, ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव, ऐसा काम कर दिया। चलो खैर आगे ही समझाऊंगा जब ह्यूमन आई पढ़ाएंगे, अभी नहीं, पर अभी के लिए बस इतना याद रखो, आंखें अगर हम लोग क्या कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, और सर पहले वाले में एलियल बनती थी इमेज एम बाकी सभी में रियल बनेगी, और एम से इन्वर्टेड बनेगी, एम विल बी लेस देन जीरो मतलब लेस देन वन, जीरो तो, डिमिनिश्ड। और डिमिनिस्ड और रियल, बाकी हर केस में वही रहेगा, सिर्फ इस केस इसमें का अलग है। डिमिनिश नहीं बनेगी ना, बड़ी बन रही है ना तो इनलार्ज उसको कह देंगे, डिमिनिश की जगह इन्वर्टेड बनती छोटी, डिमिनिश्ड मीन छोटी इमेज, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इरेक्ट मतलब सीधी। ताजमहल कैसा बना है, इरेक्टेड या फिर इन्वर्टेड? हर चीज बिल्डिंग बिल्डिंग इरेक्ट बनती है। हाँ हाँ बिल्डिंग कब उल्टी बनेंगी भाई? उल्टी ऐसी कोई चीज बताओ जो बनती हो। बनना पड़ेगा
अरे उल्टा बनना है, जमीन के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, जमीन के अंदर भी सीधी बना दो तो क्या मतलब। इन उल्टी कौन सी चीज लेफ्ट है? टू राइट उल्टा कि ऊपर नीचे ऊपर उल्टा? से नीचे उल्टा। लेफ्ट टू राइट को तो फ्लिप बोलेंगे ना, अभी जैसे प्लेन मिरर के केस में मैंने कहीं उल्टा बोला था, वैसे बोला था ना इन्वर्टेड ही तो था, वर्चुअल और इन्वर्टेड। हाँ ठीक एम्बुलेंस है, बताओ बताओ कोई उल्टी चीज जो कि बनती हो क्या? अरे कोई उल्टी चीज देखे हो आज तक लाइफ में जो उल्टा हो? का पंखा। वैसे सही कंसेप्ट बता रहा, पंखा उल्टा ही लगा हुआ है वही तो शैंडलियर भी तो उल्टा ही है। क्या? शैंडलियर शैंडलियर, ये क्या है? अरे वही जो ऊपर लगाते हैं झूमर का शेल्टर, अच्छा वो शैंडलियर झूमर जो होता है होता लाइट का जो, वो भी हाँ ठीक है, सही बात है है, अभी सेम। लटका हुआ है। और लाइट फ्लिप में रहती है हाँ टीवी भी लोग ऊपर से लटका देते हैं, अरे ऊपर से करके ऐसे ताकि ऊपर कमेंट्स पढ़ सकें। जो लोग यूट्यूब पे करते हैं वो लोग ऐसे ही लगा देते हैं छत से टीवी। टेढ़ा। हाँ जो भी है ताकि गिरे ना। उल्लू को देखे हो? उल्लू भी उल्टा ही लेटता है, मतलब सोता है उल्टा होके। चमगादड़ चमगादड़ भी क्यों? क्या मतलब? अब हम लोग सांस क्यों लेते हैं? अब हमारे अंदर ऐसे सेल्स हैं, हमारी बॉडी उस तरह बनी, उल्लू का जैसे बना है वो वैसे करता है। भालू को जानते हो? भालू तो 6 महीने तक सोता ही रहता है क्योंकि खाने को कुछ बचता नहीं है, बर्फ गिरती रहती है हर जगह, तो 6 महीने सो ही जाता है और इकट्ठा खाना कर लेता है, रखा रहता है और फिर गुफा में अंदर जाके सो जाता है, उठता है खाना ना खाता है, फिर तब तक गर्मी मतलब गर्मी आ गई होती है 6 महीने तक लगातार। इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। इसी तरह फ्लेमिंगो बर्ड्स क्या होती हैं? रशिया से इंडिया आ जाती हैं, रशिया से इंडिया उड़ते उड़ते आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि रशिया में पड़ती है बहुत ज्यादा ठंड, वापस अरे पोल की तरफ है ना, पोल के चल जाते हैं फिर वापस चल जाती है। माइग्रेटिंग बर्ड्स को इनको बोलते हैं जो मूव करती रहती हो। भाई चिड़ियों को झुंड में ये चलती हैं, वो बाकी दिशा से नहीं और वो दूसरा हाँ यही सब टैक्टिक्स लगाती होंगी हवा की दिशा जो भी है, बदलती रहती है अपना एरिया। क्योंकि आसमान में रास्ता बड़ा कंफ्यूजिंग होगा, कुछ तो है नहीं ऊपर ऊपर देखने के लिए। प्लेन कैसे अपना डायरेक्शन देखता है? कंपस, कंपस से नॉर्थ पोल साउथ पोल क्योंकि पता मैप चल भी जाता है। बहुत और मैप अपना 3D मैप आजकल इतने आ गए हैं, हर एक पॉइंट्स को क्या है, यहाँ भी मैं खड़ा हूँ तो इस पॉइंट का भी गूगल में कोई ना कोई पॉइंट होगा, इसका भी लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा ना, ये मेरा पूरे इतनी हाइट है, तो हर चीज वो हो गई है, एक 3D मॉडल में कर दिया गया है क्योंकि सुपर कंप्यूटर आ चुके हैं एकदम फास्ट फास्ट, है कि नहीं? रुक जाओ, इसीलिए बड़े बड़े गेम भी देखे होगे तुम लोग बन गए। चलो भाई आज तुम लोग सीख गए कैसे इमेज बनानी। पहला स्टेप क्या है इमेज बनाने का? प्रिंसिपल एक्सिस पर टकरानी है इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे निकालनी है उसके टकले से और फिर फोकस इन पास और फिर करा देना फोकस से है पास करवानी बिना कुछ सोचे समझे। फिर और दूसरी रे फोकस से वैसे फोकस तो ले जाते हैं, से निकालनी है पोल लेकिन जब हम फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हम उसको पोल से टकरा के से बनाने की निकालनी। और कोशिश पहले करते वाले हैं। केस में क्या रहा था फोकस पे दूसरे से निकालनी। बिल्कुल, बस यही दोनों तरीके से बनाना है, इसी को अंग्रेजी में लिख देना और साइड साइड में जब लास्ट में यही मेन तो ये है जो नहीं कि सर पूछेगा। पहले वाले में जो सबसे पहला था इंफिनाइट वहां हाँ तो दोनों ही फोकस पे बन गए तो इमेज कहाँ बनी उसी फोकस पे तो इमेज फोकस भी बनी इमेज क्योंकि नहीं बनी। रिफ्लेक्ट होने, अरे बहुत छोटी होगी, एकदम ही छोटी, सबसे ज्यादा डिमनेस इसी में बनेगी। अगर ये भी क्वेश्चन है ना, सबसे ज्यादा स्मॉल कब बन रही है? इन्फिनिटी पे इंफिनाइट जब ऑब्जेक्ट रखा है, जब बियॉन्ड द कुल मिला के वो सी है दिखेगी नहीं, इतनी छोटी समझ लो, जब बियॉन्ड द सी है तब तुम तब तो थोड़ी बहुत बनती है। क्या हुआ? अरे बुक में होगा बियॉन्ड सी दिखा है कि नहीं? देखो यहाँ पे तुम्हारे दे रखा है एट इन्फिनिटी अलग पॉइंट है, दिख रहा है, और बियॉन्ड सी एक अलग पॉइंट है, यानी बियॉन्ड सी तुम्हें पता चल गया ना, सी से थोड़ा दूर है, इन्फिनिटी पे नहीं है वो पीछे, तो बियॉन्ड सी के लिए इमेज कहाँ बनी? तो एफ और ऐसे सी के करेंगे बीच हम में, फोकस इसको डालेंगे फोकस पे आकर तो यहाँ जाके मिल होगी नीचे थोड़ा वो वहां बन वही जाएगा। बनती है। घर में ट्राई करना, बुक में बाकी बना ही हुआ है। स्टेप याद रखना, पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाना, दूसरी जरूरत पड़े तो फोकस से नहीं तो पोल से टकरा के, ठीक है? जब टकराना तो थोड़ा देख लेना रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, मतलब एंगल इक्वल होना चाहिए क्योंकि यही लॉज ऑफ ये रिफ्लेक्शन। डाइवर्जन वो भी अगर हम उससे करेंगे ना बिल्कुल डाइवर्जिंग आएगी बिल्कुल। अरे यार आगे ये हम लोग थोड़ी, ये तो साइंटिस्ट लोग करके प्रूफ करके गए ना। उसको सीधे बना दिया से किसको? अगर हम वैसे लाइन निकाले और सीधा ना स्केल से तब तो ये पैरेलल चल जाएगी ऐसे वापस। तुम कह रहे हो? तो ये तो हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं ना, असल में मिरर में कैसा रिफ्लेक्शन होता है ये सभी क्या अगर है? पेपर में अगर थोड़ा लेटिंग आता तो वो तो कितना मेजरमेंट से देखते पेपर में आ जाएगा तो हाँ अपनी मन से बना दो, तुम्हें अगर याद है अच्छा ऐसी बनती है, इधर से कुछ लेगा इधर कुछ लेगा, कुछ भी बना बट दो। ऐसे इधर लिख देंगे
बस तुम्हें याद होना चाहिए कि भाई अच्छा यहाँ यहाँ इमेज बन रही थी, फोकस पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे अगर होता है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे होती है तो इमेज फोकस पे बनती है। ये तो जस्ट आसान है, उल्टा ही है। इमेज अगर ऑब्जेक्ट जहाँ है उसका अपोजिट जगह बनेगी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, फोकस अगर फोकस कह रहा हूँ फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बन जानी है। अब पोल का याद ही रख लो, मतलब पोल और फोकस के बीच में जब होगी तो एनलार्ज बनती है, इरेक्ट बनती है, एम इज ग्रेटर देन वन होता है। एम क्या फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ एच आई अपॉन एच ओ, याद रखना आगे बहुत काम आएगा। हालांकि इसमें हाइट ऑफ इमेज बड़ी है इसलिए एम इज ग्रेटर देन वन हो गया। ऊपर वाली चीज बड़ी हो जाए अगर नीचे वाले से तो क्या होता है, रेशियो हमेशा ग्रेटर देन ही तो वन आएगा। हाँ तुम्हें डेटा देंगे, ये तो जब पूछेंगे तो तुमसे बस यही जानना चाहेंगे कि तुम प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बताओ, यानी इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है और क्या प्रॉपर्टी है उसकी। वही तो बार बार कह रहा हूँ, तो तुम्हें केस दिया होगा ना बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट है तो बताओ मुझे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या है। एफ और पी के बीच वाले पे, अरे चार्ट और केस ये बना तो है, यही तुम अगर याद कर लेते हो तुम्हें समझ आ जाएगा। लेकिन केवल इसको रटो मत, ऐसे अगर बनाना सीख गए एक बार को तो दिमाग में रहेगा चीजें। ठीक है, छह क्या, चार पांच है ये तो, एक इन्फिनिटी बियॉन्ड सी ऑन सी, छह है क्या, एक दो तीन चार पांच, हाँ तो छह ही है भाई, समझ गए। सी पे ही इमेज बन जाती है, अगर सी पे ऑब्जेक्ट था और सेम साइज की रहती है इस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम यही एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी पैरेलल, फोकस से पास होगी, दूसरी फोकस से पास करानी है और यहीं पे इमेज बना देती थी, जब सही बनाओगे तो आ जाता है। और सेम साइज की इमेज बनती है, यानी यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या है सेम, तो ऐसे में अगर हम ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है। अरे यार तुम लोग जीरो क्यों बोलते हो, इस केस में मैग्निफिकेशन वन है, तो अगर मैग्निफिकेशन वन रहती है तो इमेज और हाइट, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट में चेंज नहीं होता है। तो क्या प्लेन मिरर में जब तुम खुद को देखते हो तो तुम्हारी हाइट और इमेज में चेंज आता है क्या, प्लेन मिरर के अंदर जब हम देखते हैं खुद को तो सेम ही दिखते हैं एकदम। इट मीन्स प्लेन मिरर का भी मैग्निफिकेशन क्या होगा, याद रखना। ठीक है ना, ये पूछा गया है क्वेश्चन, प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन वन रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज है जो हम अंदर देखते हैं वही हमारी, और स्पीड भी सेम रहती है जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है। मान लो प्लेन मिरर के सामने मैं जिस स्पीड से चल रहा हूँ मेरी इमेज भी उसी स्पीड से मेरे पास आएगी, डिस्टेंस तो, अरे तुम प्लेन मिरर में देखोगे उतनी दूरी पे दिखोगे अंदर भी उससे, पर अंदर दिख रहे हो तो वर्चुअल दिख रहे हो, इसीलिए वर्चुअल और इरेक्ट होती है क्योंकि तुम सीधे हो इमेज भी सीधी है। यार छठा कौन सा है इसमें, हाँ तो छह तो हो गए, हाँ सी और एफ के बीच वाला जब यहाँ होता था तो कहाँ बन रही थी इमेज, यहाँ पे बियॉन्ड सी, बनाते रहना घर में ये बढ़िया से बनाना, बढ़िया से क्या बनाना, ये ले लेना प्रोटेक्टर है ना, प्रोटेक्टर को ही ऐसे रख देना ऐसे, ये हो गया सेंटर और इसको ऐसे खींच देना, बन गया कौन के तुरंत ही बन जाएगा। सी पे तो सी ही पे इमेज बन गई, रुको 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 बना ही देते हैं इसको, बड़ा आसान है, एक बार तुम सीख गए तो फिर तुम भी बना ले जाओगे। क्या बताया तुमने, एफ और ये सी के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो पहली रे कैसे ले जानी है और कहां से निकाल देना है, दूसरी रे कहां से ले जानी है, अरे फोकस से, केवल पोल पे तब जब फोकस पे ही रखा हो तो मजबूरी है। ठीक है, अब ये पीछे आएगी और ये पैरेलल हो जाएगी, ये कैसे, ये यहाँ कहीं मीट हो रही है, यानी बियॉन्ड सी इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है, देखो यहाँ का भी आसान है, बियॉन्ड सी था तो इमेज कहाँ बन रही थी, सी और एफ के बीच में, और सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, यानी कुछ कुछ उल्टा उल्टा आता है, जैसे बियॉन्ड सी में ये बन रहा था तो एफ और सी के बीच में है तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, हाँ तो याद करना इसीलिए तो बड़ा आसान है और बनाना भी आसान है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस वही वाला अलग होता है, एफ एंड टी वाला पीओ, साइड से चल जाता है, बस वही चीज है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही पास आ जाता है, दूर नहीं तो बड़ी हो जाती है। दूर में तो फोकस पे ही बन जाती है, शायद जितना दूर रख दो, है कि नहीं? के बीच में यहाँ पे जब रखोगे तो एकदम ही समझ लो पास आ गए। इसीलिए डेंटिस्ट जो लोग होते हैं वो यही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ही इसको ले गए तुम्हारे दांत के पास में, तो अब तुम्हारा दांत की जो ऑब्जेक्ट है, दांत ऑब्जेक्ट हो गया, तो दांत की जो डिस्टेंस है मिरर से कितनी रखते हैं कि उसके पोल के मतलब फोकस के अंदर आ जाओ। जैसे ही फोकस के अंदर आओगे, अब तुम्हारा दांत इतना बड़ा है, दिखेगा इतना बड़ा। छोटी चीज को जूम करना होता है ना, तो उसके लिए कौन सा मिरर जरूरत होती है? कॉनकेव। हाँ, लेंस के लिए, लेंस में बात करेंगे तो लेंस थोड़ी होता है वो, फोन लेंस थोड़ी है, फोन तो ट्रांसपेरेंट स्क्रीन हो गई वो तो, समझ रहे हो बात को? बोलो भाई, जूम करने के लिए किसका जरूरत होती है? कॉनकेव। और बड़ी चीज को छोटे में देखना है तो दोनों फर्क है, एक में छोटी चीज को बड़ा कर रहे हैं, जैसे दांत को, तो दांत को हमें क्या ले, अब ऐसा नहीं कि मिरर ऐसे यहां रखा और दांत देख लिया, नहीं, अभी जो मिरर का जो फोकस होगा वो कहीं यहाँ कहीं होगा, मिरर मिरर देखते फोकस समझ जाओगे ना, हवा में कहीं होगा भाई, मिरर क्या ऐसे गोला होगा पूरा, यहाँ कहीं सेंटर होगा, उसके आधे में फोकस, तो मिरर को क्या करता है, दांत के पास ले जाता है डेंटिस्ट, उसके बाद फिर देखता है, जूम हो जाता है। चलो अब कल के क्लास में मिलेंगे भाई।